हेडिंग क्या है आपकी, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। और ये जो लंबाई है ये एक भौतिक राशि है, ठीक है, लंबाई ये एक भौतिक राशि है, पी बोल देता हूँ, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, भौतिक राशि है। अब इसको मैं लिखूँ 5 मीटर, ठीक है, क्या लिखा मैंने, 5 मीटर। अब मुझे बताइए इसी लंबाई को अगर मैं ऐसा लिख दूँ, फिजिकल क्वांटिटी है ना, या अभी मैं एल एल कर देता हूँ, यहाँ एल एल, ये क्या है, ये भौतिक राशियाँ हैं। अब इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि 500 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ कि, बताओ, कोई दिक्कत है क्या इसमें, हाँ, इसमें कोई दिक्कत है क्या, लंबाई एल बराबर 5 मीटर और उसी मैंने 5 मीटर को क्या कर दिया, 500 सेंटीमीटर लिख दिया, तो कोई दिक्कत होगी क्या इससे, नहीं, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 5 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। इसका मतलब भौतिक राशि तो वही है, बस उसके क्या कर दिए हमने, भौतिक राशि आपकी वही है, लंबाई ही है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, लंबाई बराबर, लंबाई इज इक्वल टू 5 मीटर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर लिख सकते, ओके, है ना। जब हम ऐसा लिख सकते हैं तो अब ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन अब ये जो मीटर है ये कौन सी पद्धति में, बताइए ये कौन सी पद्धति का है, एम के एस का है, और ये कौन सी पद्धति का है, ये सी जी एस का, ठीक, मतलब एक पद्धति एम के एस हुई, दूसरी पद्धति सी जी एस हुई। तो हमको यहां करना क्या है, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना है, मतलब 5 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, ये खालिस्तान बन गया मान के चलो, ठीक है, 5 मीटर बराबर खालिस्तान सेंटीमीटर, तो कितना सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर, वो 500 ही क्या करना है हमको निकालना है कि भाई 5 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और ये जो पहली पद्धति है, उस पहली पद्धति में फर्स्ट जो आपके पास में पद्धति है वो एम के एस मान चलते हैं, और सेकेंड जो है आपके पास में वो सी जी एस मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये एम के एस पद्धति में हम ये मान के चल लेते हैं कि जो लंबाई का मात्रक है ना, अब इसका मात्रक अलग अलग है, ठीक है, एम के एस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो यहां पर जब मैं मात्रक मान रहा हूं पहली पद्धति में, मात्रक प्रथम प्रथम पद्धति में मात्रक, तो प्रथम पद्धति में मात्रक अभी हमारे पास क्या है, प्रथम पद्धति में मात्रक बताओ, प्रथम पद्धति में मात्रक क्या है आपके पास, 5, अरे 5 मीटर नहीं, केवल मीटर है, मीटर है, केवल क्या है, मीटर। प्रथम पद्धति में मात्रक क्या है, मीटर है, और दूसरी पद्धति में मात्रक क्या है, सेंटीमीटर है, अलग अलग है कि नहीं, इसमें मात्रक मीटर है, इसमें मात्रक क्या है, सेंटीमीटर है। देखो ये संख्यात्मक मान है, 5 संख्यात्मक मान है, 500 संख्यात्मक मान है, ये मीटर मात्रक है, ये सेंटीमीटर मात्रक है, ठीक है। तो बताइए पहली पद्धति मैंने एम के एस को माना, दूसरी पद्धति मैंने सी जी एस को माना, ठीक है, और एम के एस पद्धति में जो मात्रक है पहली पद्धति में इसको माने, तो इसका पहली पद्धति में मात्रक कितना है, मीटर है, और यहाँ दूसरी पद्धति में मात्रक क्या है, सेंटीमीटर है, मतलब अलग अलग है क्या, नहीं दोनों मात्रक है दोनों लंबाई के मात्रक, लेकिन अलग अलग है क्या, नहीं, एक मीटर है एक सेंटीमीटर है। तो वैसे ही क्या होगा, अभी तो केवल लंबाई लिया मैंने, और कोई भौतिक राशि हो जिसमें लंबाई भी आए, द्रव्यमान भी आए, समय भी आए, तो सबके मात्रक कैसे हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे होंगे, ठीक है। तो यहां पर प्रथम पद्धति में मात्रक में लिख देता हूं क्या, M1, L1 और T1, ठीक है, प्रथम पद्धति में मात्रक क्या हो गए, M1 हो गया, L1 हो गया, T1 हो गया, ये प्रथम पद्धति के मात्रक है, ठीक। और द्वितीय पद्धति के मात्रक, ये मात्रक है, बार बार बोल रहा हूं, विमीय सूत्र नहीं है, क्या है ये मात्रक, पहली पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम M1, लंबाई का मात्रक L1 और समय का मात्रक T1, वैसी द्वितीय पद्धति में मात्रक, द्वितीय पद्धति मतलब ये वाली पद्धति, इसमें मात्रक जैसे सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, यहाँ L2 नाम दे देता हूँ, ग्राम होता है इसमें तो इसको मैं M2 नाम दे देता हूँ, और समय तो इसमें T2 नाम दे देता हूँ। बात समझ में आ गई सबके,
क्लियर हो गई बात इतनी? ठीक है, तो दिमाग लगा लो पहले, मैंने क्या बोला हूं, लंबाई बराबर 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर, मीटर जो है एमकेएस पद्धति का मात्रक है, सेंटीमीटर सीजीएस पद्धति का मात्रक है। ठीक है, तो जैसे एमकेएस में मीटर आया है, यहां सेंटीमीटर आया है, तो भाई अलग हो गया ना ये और ये अलग हो गया, तो आपको अलग अलग बताना पड़ेगा। तो वैसे यहां पर देखो, प्रथम पद्धति के लिए मैंने क्या किया, लंबाई का मात्रक मीटर था, तो मैंने यहां L1 लिखा, उसका मान L1 है। वैसे द्रव्यमान आता तो उसका मान M1 है ना, जैसे मीटर किलोग्राम सेकंड, तो मीटर के लिए मीटर किलोग्राम सेकंड, तो किलोग्राम के लिए M1, मीटर के लिए L1 और समय के लिए T1। एक पद्धति में अलग मात्रकों के नाम हो गए इनके मात्रकों के, M1 L1 T1 प्रथम पद्धति में। दूसरी पद्धति में सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्या है, एक लंबाई है, तो लंबाई के लिए क्या ले लिया मैंने L2। वैसे द्रव्यमान आएगा तो M2 और समय आएगा तो T2। इज इट क्लियर यहां तक? ठीक है, अब मुझे इस भौतिक राशि को लिखना है, मान के चलो इस भौतिक राशि को लिखना है लंबाई को, तो क्या मैं लंबाई को ऐसा लिख सकता हूं, क्या लंबाई इज इक्वल टू, अब देखो ये हो गया, इसकी वैल्यू मैं N1 लिख देता हूं, N1 ये 5 जो है वह N1 है, और मात्रक है आपके पास मीटर, लेकिन हमारे पास में मात्रक क्या है, M1 L1 T1, तो मैं यहां लिख देता हूं M1 L1 T1 इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। इस 500 को मैंने मान लिया N2, इसका मान कितना है N2। ठीक है, और सेंटीमीटर मात्रक है, तो हमारे पास दूसरी पद्धति की मात्रक कौन है, M2 L2 T2, तो है लंबाई 5 के स्थान पर N1 लिखा, पहली पद्धति में लंबाई का संख्यात्मक मान 5 है, तो उसका मान N1 लिख दिया, मात्रक यहां M है, तो मैंने प्रथम पद्धति में मात्रक क्या लिखा हूं, M1 L1 T1, तो इस मात्रक के स्थान पर M1 L1 T1 लिख दिया प्रथम पद्धति के मात्रक को, बराबर 500 सेंटीमीटर है, 500 सेंटीमीटर जो है वह दूसरी पद्धति में संख्यात्मक मान है, ये N2 लिख दिया, और सेंटीमीटर इस दूसरी पद्धति में संख्या दूसरी पद्धति में मात्रक है, तो इस मात्रक के स्थान पर हमने दूसरी पद्धति के लिए मात्रक क्या नाम दिया, M2 L2 T2 नाम दिया, तो M2 L2 T2 लिख दिया, मतलब हमने 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर ही लिखा है, 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर ही लिखा है, लेकिन संख्यात्मक संकेत के रूप में लिख दिया है। क्लियर हुआ क्या कुछ, यस आर नो, आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? नहीं आई बात सभी भी समझ में? बोलो। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, तभी तो मैं बता पाऊंगा। देखो, ये एक लंबाई भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि को मैंने कितना लिखा, 5 मीटर लिखा। ठीक, देखिए ये भौतिक राशि है लंबाई, इसका मात्रक होता है ना, लंबाई को मैंने लिखा 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर, ये जो लिखते हैं ये क्या चीज़ है, ये है इसका संख्यात्मक मान, और यहाँ जो लिखते हैं ये क्या है, इसका मात्रक। वैसे ये क्या है, संख्यात्मक मान, और ये क्या है, उसका मात्रक है, लेकिन ये कौन सी पद्धति है, पहली पद्धति, मतलब MKS पद्धति, इसमें मात्रक मीटर किलोग्राम सेकंड होते हैं, तो प्रथम पद्धति के जो मात्रक है उनके हमने मीटर किलोग्राम सेकंड नाम ना देते हुए क्या नाम दिए, M1 L1 T1 नाम दे दिए। ठीक है, और दूसरी पद्धति CGS है, CGS पद्धति में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है ना मात्रक, तो हमने दूसरी वाली पद्धति में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड नाम ना देते हुए द्वितीय पद्धति के मात्रकों को क्या लिख दिया, M2 L2 और T2 नाम दे दिया है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना चाहिए, संख्यात्मक मान के स्थान पर जहां जहां संख्यात्मक मान आया है, जैसे देखो 5 और 500 ये संख्यात्मक मान है, तो 5 और 500 के स्थान पर क्या लिखा, N1 5 के स्थान पर और N2 500 के स्थान पर लिख दिया, N2 किसके स्थान पर लिख दिया, 500 के स्थान पर, और मात्रक प्रथम पद्धति के मात्रक यहां लिखे जा रहे हैं, तो प्रथम पद्धति के मात्रक क्या है, जैसे मीटर प्रथम पद्धति का मात्रक था तो 5 के बाजू में लिखा गया, वैसे प्रथम पद्धति के मात्रक क्या है, M1 L1 T1 है, तो हमने उस 5 के बाजू में मतलब N1 के बाजू में क्या कर दिया, ये लिख दिया M1 L1 T1 पहली पद्धति के मात्रक को लिख दिया यहाँ। वैसे 500 सेंटीमीटर तो 500 के स्थान पे तो N2 आ गया, अब ये सेंटीमीटर एक मात्रक था CGS पद्धति का,
है ना। तो वैसे यहाँ पर हमारी दूसरी पद्धति जो है सीजीएस पद्धति, उसके मात्रकों को क्या नाम दिया हमने, एम टू एल टू टी टू, तो हमने ये 500 के बाजू में यानी कि एन टू के बाजू में क्या कर दिया, एम टू एल टू टी टू लिख दिया। अब क्लियर हुआ, अब क्लियर हुआ क्या, अब बात समझ में आ गई होगी सबके, राइट। हाँ ठीक, अब आगे बढ़ते है ना। चलो अब जब इतना हो गया तो अब हमको बताइए क्या मान निकालना है, बताओ क्या मान निकालना है। हमको ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है कि भाई 5 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, ये हमको निकालना है ना, ठीक है। 5 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, ये हमको निकालना है। मतलब आपके पास में N1 दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है, N2 निकालना है ना। N1 दिया हुआ है ना, N2 निकालना है। माइक बंद कर दो, माइक बंद। हाँ, N1 दिया हुआ है, N2 ज्ञात करना है, क्योंकि N1 बराबर 5 है, N2 बराबर कितना होगा ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ तो 500 आएगा अभी सिंपल, इसलिए 500 बता दोगे, लेकिन हमको N1 दिया हुआ है, N2 क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। तो हम ये अब ये दोनों चूंकि बराबर हो चुके, तो क्या कर दो अगले स्टेप में, इसी को लिख देते हैं हम N1 N1 M1 L1 T1 N2। हाँ, आप मुझे ये थोड़ा सा और बताइए कि थोड़ा और दिमाग लगाओ, यहां पर M पर कितने की घात है, 1 की, यहां पर कितने की घात है, 1 की है, 1 की घात है कि नहीं, मीटर पर 1 की घात, सेंटीमीटर पर 1 की घात है। क्लियर हो गई बात इतनी, है ना। तो अब यहां पर भैया जो भी, अभी तो हमने लंबाई ली है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, लंबाई ली है इसलिए अभी इसमें यहां से इसको मिटा देता हूं। अब ये लंबाई नहीं है, कोई और भौतिक राशि मान के चलो, कोई और भौतिक राशि है, जो भी भौतिक राशि होगी, लेकिन कैसी होगी, वो एक दूसरे के कैसी होगी, बराबर। जैसे लंबाई 5 मीटर 500 सेंटीमीटर, वो कैसी होगी, बराबर थी। वैसे यहां पर कोई भी भौतिक राशि क्या होगी, इस तरह से बराबर हो जाएगी। और बराबर जब होगी तो यहां पर M पर अगर एक ही घात होगी तो यहां पर भी M पर एक ही घात होगी, यहां L पर B की घात होगी तो यहां पर भी क्या होगी, B की घात होगी, और T पर यहां C की घात होगी तो यहां पर भी क्या होगी, C की घात ही होगी, क्योंकि दोनों कैसी हैं, बराबर है। और जब दोनों बराबर ही हैं तो विमाएं अलग अलग हो सकती है क्या, बताइए, जब दोनों बराबर हैं तो विमाएं अलग हो सकती है क्या, नहीं हो सकती ना। विमीय समानता के सिद्धांत में लंबाई बराबर लंबाई लिखे हो आपने, तो विमाएं कैसी हो जाएगी, अलग अलग हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। एम पर एक की घात है तो सेंटीमीटर पर भी कितने की घात है, एक की घात ही है ना, क्लियर, क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो वैसे यहां पर यदि M1 पर एक की घात है तो M2 पर भी कितने की घात होनी चाहिए, एक ही घात होगी। L1 पर B की घात है तो L2 पर भी क्या होनी चाहिए, B की घात ही होगी। और T1 पर यदि C की घात है तो T2 पर क्या होना चाहिए, C की घात ही होनी चाहिए। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब हमको मान किसका निकालना है, बताओ किसका निकालना है, मान N2 का निकालना है, किसका निकालना है, N2 का। तो N2 जब यहां रहेगा तो ये पूरा का पूरा कहां आएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो ये हो गया N1, M1 पर A की घात, L1 पर B की घात और T1 पर C की घात, और बटे में कौन आया, ये पूरा M2 पर A की घात, L2 पर B की घात और T2 पर C की घात, इस तरह से। और इज इक्वल टू कितना हो गया, ये N2 हो गया, क्लियर है। अब मैं इस N2 को यहां लिख दूं इस तरफ, और ये वाले पद को इस तरफ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। X इज इक्वल टू Y लिखा है तो Y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको X लिख सकते हो, है ना, तो ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। N2 को इस तरफ लिख दिया, ये वाला पूरा पद इस तरफ आएगा। तो ये N1 तो रहेगा, अब देखो ये M1 पर एक ही घात, M2 पर एक ही घात, तो क्या होगा, ऐसा लिख सकते हैं इसको M1 अपॉन M2 पर एक ही घात, लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो, इनटू वैसी L1 पर B की घात, L2 पर B की घात, तो क्या कर सकते हैं इसको, L1 अपॉन L2 पर कितने की घात, B की घात, और T1 अपॉन T2 पर कितने की घात,
सी की घात। ये आपके पास में एक फार्मूला आ गया जिसके थ्रू क्या कर सकते हो आप, मान निकाल सकते हो किसका, एन टू का निकाल सकते हो। ठीक है, तो फार्मूले तक कैसे पहुंचे इसके लिए हम एक पूरी कहानी बता रहे हैं। अगर हमें कहानी नहीं भी बताते और इस सीधे सीधे सिंपल फार्मूला मैं आपको बता देता तो भी काम चल जाता। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आप लोगों को सबको क्लियर हो गया होगा। क्या लिखा हुआ है, एमकेएस पद्धति में कार्य के मात्रक जूल को सीजीएस पद्धति में कार्य के मात्रक अर्ग में परिवर्तित कीजिए। कहने का मतलब यह है कि एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है और सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको कुल मिलाकर क्वेश्चन बोलता है हमको निकालना है एक जूल इज इक्वल टू कितना अर्ग होता है, काम खत्म। ये क्वेश्चन है हमारा, समझ में आ गई बात। एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। और बोल रहा है कि एक जूल, जूल को सीजीएस पद्धति में कार्य के मात्रक अर्ग में परिवर्तित कीजिए। इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि एक जूल इज इक्वल टू कितना अर्ग होता है, ये क्या करना है अपने को निकालना है। क्लियर है, क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक। अब देखो इसको, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं, सबसे पहले कौन सी भौतिक राशि बताओ, भौतिक राशि कौन सी है तुम्हारी, कौन सी भौतिक राशि है, कार्य है ना भौतिक राशि। तो सबसे पहले लिख लो कार्य का विमीय सूत्र, लिख लो कार्य का क्या, लिख लो विमीय सूत्र। ठीक, कार्य का विमीय सूत्र क्या होगा बताओ, M पर A, L पर B और T पर C इज इक्वल टू कितना होता है, कार्य का विमीय सूत्र बताओ। ये तरीका होता है लिखने का विमीय सूत्र का, एम एल टी के रूप में लिखते हैं, ए बी सी की घात लगाते हैं। हाँ, अब बताओ कार्य का विमीय सूत्र क्या होगा, हाँ, एम एल टू टी माइनस टू, ये होता है कार्य का विमीय सूत्र। ठीक है, तो अब बताइए a बराबर कितना आएगा, a इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। भाई m, m पर a की घात, तो यहां m पर कितने की घात है, 1 की, तो a a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा b इज इक्वल टू कितना आएगा, हाँ 2 आ जाएगा, और c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 2, बिल्कुल है ना। चलो ठीक, अच्छा माइक बंद कर दो थोड़ी देर, हाँ क्लियर। अब ए बी सी का मान निकाल लिए है ना, अब क्या करेंगे, अब एम सूत्र है हमारे पास में, कौन सा सूत्र है, सूत्र कौन सा सूत्र है बताओ, एन टू इज इक्वल टू एन वन, यहां पर एम वन अपॉन एम टू पर ए की घात, एल वन अपॉन एल टू पर बी की घात, और टी वन अपॉन टी टू पर कितने की घात है, सी की घात। यही सूत्र था, इसके पहले अभी हमने पढ़े, ये था ना सूत्र, ठीक है कि नहीं। इसको हाँ, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। हाँ, अब एम के एस पद्धति में, और यहां लिखता हूं सी जी एस पद्धति में, चलिए एम के एस पद्धति में एम वन बराबर क्या होगा, एम वन, एम क्या है, एम एम किसके लिखते हैं हम, एम मतलब मास, एम मतलब क्या होता है, मास, मास मतलब द्रव्यमान। ठीक है, मास मतलब द्रव्यमान। तो बताओ एम के एस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बताओ, अरे एम के एस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। तो यहां लिख देंगे 1 किलोग्राम, समझ गए। और सीजीएस पद्धति में M2, तो यहां पर क्या होता है द्रव्यमान का मात्रक, क्या होता है, ग्राम होता है। क्लियर है, हाँ वैसे ही M हो गया, L1, हाँ M के पद्धति में L मतलब लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो यहां लिखेंगे 1 मीटर है ना, और
ठीक है, और यहां L1 क्या लिखेंगे बताओ, एक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति है, और यहां टाइम, तो टाइम के लिए तो समय क्या होता है मात्रक, सेकंड, और यहां पर भी क्या होगा, सेकंड ही होगा, क्योंकि सेंटीमीटर ग्राम, मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो मात्रक टाइम का क्या है, सेकंड ही है। क्लियर हो गई बात, ये बात क्लियर है कि नहीं। एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर सेंटीमीटर और समय का मात्रक सेकंड हो गया। क्लियर। अब ये क्या करो, इन मान, हाँ बोलो, हाँ सॉरी 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 सॉरी, हाँ यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ एलो ऐसा पहले लाइन से इसी को लिख लेना है ना, M1 L1 T1, 1 किलोग्राम, 1 मीटर, 1 सेकेंड, और फिर यहाँ M2 L2 और T2 आएगा। सही बोल रहे हो बिल्कुल, ठीक। ये इस तरह से आपने कर लिया। अब इतना करने के बाद समीकरण नंबर 1 में क्या कर दो, मान रख दो, ठीक है, सूत्र में मान रखना है, मतलब समीकरण 1 से। चलिए मान रखिए, N2 इज इक्वल टू N1, अभी देखते हैं N1 बराबर हमारे पास 1 है, बाद में रखेंगे उसका N1 का मान, ठीक। M1, अब M1 बताओ कितना है, M1 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम बटे, M2 कितना है, 1 ग्राम, और उस पर कितने की घात, 1 ही, तो 1 का मान कितना है बताओ, 1 है। अच्छा, फिर L2, L1 अपॉन L2, L1 का मान कितना है, 1 मीटर, और L2 का मान कितना है, 1 सेंटीमीटर, और उस पर कितने की घात है बताओ, B की, तो B का मान कितना है, B का मान 2, तो यहां पर 2 की घात, यस। फिर T1 अपॉन T2, तो T1 का मान कितना है, 1 सेकेंड, T2 का मान कितना है, 1 सेकेंड ही है, 1 सेकेंड, और इस पर कितने की घात आएगी, C, C मतलब -2 की घात। क्लियर हो गई बात यहां तक के, यहां तक बात क्लियर हो गई सबको, है ना। अब देखिए, जब इतना हो गया उसके बाद में देखिए क्या हुआ, N2 इज इक्वल टू N1। अब बताइए 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होते हैं, कितने, 1000 ग्राम, है ना, तो 1 किलोग्राम के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, समझ गए, और इस पर कितने की घात, 1 की। अच्छा, फिर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो 100 सेंटीमीटर बटे 1 सेंटीमीटर, और इस पर कितने की घात, 2 की घात, माइक बंद करो, 2 की घात, ठीक। अच्छा, और यहाँ 1 सेकेंड बटे 1 सेकेंड ही है, इस पर कितनी घात है, तो -2 की घात है। अच्छा, दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है क्या, नहीं, अरे दिख रहा है कि नहीं, चलो ठीक। हाँ, जब इतना आ गया तो अब N2 इज इक्वल टू N1, अब बताइए ये ग्राम से ग्राम काट दो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दो, और ये सेकंड वाले से सेकंड वाला काट दो, सब कट गया, तो अब बताइए क्या बचा यहां पर, N1 यहां कितना बचा, यहां कितना बचा बताओ, N1 गुणा कितना बचा, 1000 बचा यहां पे बचा, फिर गुणा यहां कितना बचा, 100, 100 पर कितने की घात, 2 की घात होगी क्या, नहीं, यहां पर 1000 पर 1 की घात थी, तो 1000 ही आएगा, 100 पर कितनी घात होगी, 2 की, और यहां बताइए 1 सेकंड से 1 सेकंड कट गया, कितना बचा, 1, और 1 पर कितने की घात, -2 की घात, कोई दिक्कत है किसी को, चलो ऐसा कर लो, 1000 पर 1 की घात, 100 पर 2 की घात, और 1 पर -2 की घात,
क्लियर दैट, क्लियर है? यस। अब एन टू इज इक्वल टू एन वन, हाँ अब बताइए 1000 गुणा 100 पर 2 की घात कितना आएगा, कितने जीरो लग जाएंगे 100 गुणित 100, 1, 2, 3, 4 लगेंगे, और 1 पर माइनस की घात रखो या प्लस की घात रखो उसका मतलब कितना होता है, 1 पर माइनस की घात हो या प्लस की घात हो कितना होता है उसका मतलब बोलो, कितना, 1 ही होता है, चाहे 1 पर 0 की घात हो, माइनस 1 की घात हो, माइनस 2 की घात हो, कितने की घात हो, 1 पर किसी भी संख्या की घात हो उसका मान 1 ही होता है। एन टू इज इक्वल टू एन वन, अब बताओ 10 पर कितने की घात लगाओगे, कितने जीरो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो कितने की घात आएगी, 7 की घात आएगी, क्लियर है कि नहीं, तो 10 पर 7 की घात आएगी। हाँ अब एन वन बराबर कितना है बताओ, एन वन बराबर हमको क्या निकालना था, एन वन बराबर कितना, 1, हमको निकालना है 1 जूल बराबर कितना अर्ग, है ना, तो एन वन बराबर कितना आएगा, 1 आएगा, तब एन टू बराबर एन वन का मान 1 गुणित 10 पर 7 की घात, दैट इज एन टू इज इक्वल कितना आ गया, 10 पर 7 की घात आ गया, आ गया, अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो, आएगा ना भाई, एन वन बराबर 1 है क्योंकि हमारा क्वेश्चन मैंने पहले समझा दिया तुमको, क्वेश्चन क्या बोलता है, ये जो क्वेश्चन बोलता है ये पूछ रहा है हमको कि 1 जूल बराबर कितना अर्घ होगा, तो एन वन का मान कितना है हमारे पास, कितना है एन वन का मान, 1 है, और क्या निकालना है हमको, क्या निकालना है, एन टू निकालना था, तो हमने एन वन बराबर 1 यहाँ पर रख दिया, इस जगह पर एन वन की जगह पर 1 रखा, तो एन टू बराबर आ गया 1 गुणित 10 पर 7 की घात, मतलब 1 गुणित 10 पर 7 की घात का मतलब होता है 10 पर 7 की घात, अतः आपके पास में उत्तर क्या हो जाएगा, अतः 1 जूल बराबर कितना अर्घ होगा, एन टू बराबर कितना आया 10 पर 7 की घात, तो 1 जूल बराबर कितना आएगा 10 पर 7 की घात अर्घ आ जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, समझ गए, हाँ अब बात समझ में आई क्या कुछ, ठीक है, और कुछ समझाना बचा है क्या, इसमें और कुछ समझाना बचा है क्या, बोल रहा हूं,